सुपर भाग जाने पर दर्ना जी आपके कहा ठीक काय और मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम रूप कुमार सिंह है। मैं कक्षा एक में पढ़ता हूँ। मेरे कविता का नाम है समय का सागर। जो समय से पढ़ता है उसको अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ, सोनू और वाले थे, एग्जाम आने वाले थे। सोनू ने बोला, अरे तुम अब तक पढ़ रही हो, चलो खाना खा लेते हैं। नहीं, मेरा होमवर्क नहीं हुआ है, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगी। वाणी बहुत मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी। वही उसका भाई लालच, वही उसका भाई शैतान बच्चा था। उसकी बहन ने बोला, तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया। उसने बोला, प्रोजेक्ट अभी तो होता सिक्स पीरियड में देना, अभी भी दो पीरियड बचे हैं। वो फिर सोनू ने बोला, तुम पढ़ो, मैं तो चला खाना खाने। वाणी ने बोला, रुको सुनो, अगर नहीं करोगे तो टीचर डांटेगी। उसके मम्मी पापा वाणी का उदाहरण देके समझाते थे, देखो वाणी की तरह तुम भी वाणी की तरह बनो। पापा कल से पक्का। सोनू की लापरवाही दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एग्जाम के दिन भी आ ही गए। उसके पापा ने बोला, तुम्हारा एग्जाम आ गया, अच्छे से पढ़ लो। और उसके पापा ने बोला, सोनू मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा। मैं पढ़ लूंगा पापा, जब तक खेलूं मैं नहीं तब तक पढ़ाई की समझ में नहीं आएगी। वो बैट लेके चल गया खेलने। वो खिड़की से बोला, देखो ना वाणी कितना सुहाना मौसम है, चलो आ जाओ ना खेलने। वाणी ने बोला, नहीं मेरा अभी फोनों के लिए वर्ग में नहीं आ सकती। वो बोला, तुम लिखो, मैं तुम खेलता खेलने। वो खेलता रहा। जैसे उसने खिड़की पे देखा वैसे ही सोना मौसम आंधी तूफान का रूप ले रहा था। फिर वाणी ने बोला, सोनू। फिर सोनू आया। फिर वाणी ने बोला, अपना जल्दी से होमवर्क कर लो, नहीं तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे, कल हमारा एग्जाम है। उसने बोला, अभी बारिश नहीं होगी, मैं एग्जाम फटाफट कर लूँगा, अभी बारिश नहीं होगी। रात में बारिश खत्म होने के बाद और भी लिखने में मजा आएगा। फिर उसने बोला, मेरी बैटिंग आ गई थी, मैं चलता हूँ। वो दोपहर से शाम तक खेला रहा। उसकी चिंता तब बढ़ी जब बारिश होना शुरू हो गई। जैसे ही बारिश शुरू हुआ वैसे ही वो दौड़ के घर पर आया। सिर्फ उसके घर पर लाइट नहीं कटी थी, सारे गांव में लाइट कटी थी। वो देख के वो रोने लगा, बहुत जोर से रोने लगा। उसके पापा ने बोला, मैंने तुम्हें एक हफ्ता पहले ही बोल दिया था, अब रो। उसकी बहन ने बोला, मैंने पहले बोला था आके होमवर्क कर लो। फिर उसकी बहन ने बोला, अभी मैंने होमवर्क किया, मैं तुम्हें समझा दूंगी। अगले ही दिन वो खुशी खुशी स्कूल गए। जो समय का सम्मान वो जिंदगी में बड़े महान। धन्यवाद। थैंक यू ऋषभ।